नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जंडियाला गुरु के नजदीकी गांव गहरी मंडी में भारी बारिश के कारण एक गरीब परिवार की गिरी छत, पारिवारिक सदस्य हुए घायल, एक की हालत गंभीर। बीएसएफ के डीआईजी सचखंड श्री दरबार साहिब में हुए नतमस्तक, शिरोमणि कमेटी के अधिकारियों ने किया सम्मानित। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में 23 से 25 दिसंबर तक किया जाएगा 147वें श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन का आयोजन। और अब हलचल विस्तार से। जंडियाला गुरु के नजदीकी गांव गहरी मंडी में भारी बारिश होने के कारण एक गरीब परिवार के कमरे की छत गिरने से पारिवारिक सदस्य घायल हो गए। वहीं गांव वासियों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। इस मौके पर गांव वासियों ने बताया कि गत रात्रि भारी बारिश होने के कारण गांव गहरी मंडी निवासी कुलदीप सिंह, जो कि अपने परिवार के साथ घर में सो रहे थे, कि अचानक ही उनके कमरे की छत गिरने से उनके पारिवारिक सदस्य उसके नीचे दब गए। उन्होंने कहा कि नजदीक के घरों के लोगों ने बड़ी मुश्किल से मलबे के नीचे दबे इन सदस्यों को बाहर निकाला। वहीं कुलदीप सिंह की पत्नी गुरमीत कौर की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है और बाकी के पारिवारिक सदस्यों को भी काफी चोटें आई हैं। तो वहीं गांव वासियों ने कहा कि उनके गांव की पंचायत का कोई भी सदस्य और ना ही सरपंच इस गरीब परिवार का हाल तक जानने नहीं आया। इस दौरान पंचायत के प्रति लोगों में काफी रोष देखने को मिला। वहीं अब गांव गहरी मंडी के निवासियों ने इस गरीब परिवार की थोड़ी मदद भी की है। उन्होंने कहा कि सरकार घर की छतें बदलने के पैसे देती है, लेकिन इस गरीब परिवार को अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है। वहीं उन्होंने प्रशासन से यह मांग की है कि इस गरीब परिवार की सहायता की जाए ताकि इस परिवार का इलाज हो सके और ये अपने घर की छत बनवा सके। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। जो मीह कारण छत इन्हों की बिलकुल माड़ी सी, डिगन का करके देखो इथे ही परिवार सारा सुता इन्हों का, एक मंजा आ जी ए भी परिवार सुता सी, इधर बैठते भी परिवार का बहुत ज्यादा नुकसान हो। जी बची है एक छोटी जी, ओन भी मिट्टी थलो कड्या गया जी। तो तुसी आप ही देख लो, होर भरावां नूं सारे पिंड वासियां नूं बेनती है कि इस परिवार की भी जो कोई हेल्प करनी चाहुंदा जरूर करियो। सो आपां इक परिवार जिहड़ा इक जी इन्हां दा घर दा बहुत सीरियस है जी। अज साडे पिंड एक बहुत मंदभागी घटना वापरी आ। गरीब परिवार सी, दिहाड़ी धप्पे वाला, उन्हां दा अज ज्यादा बारिश होण कारण अज जिहड़ा मकान आ उह डिग चुका वा, और उस मकान डिगण दे नाल इन्हां दे सारे परिवार नूं जिहड़ियां वा बहुत गंभीर सट्टां आईआं, और परमात्मा किरपा करे इन्हां नूं जिहड़ा वा जल्दी जिहड़ी आ तंदरुस्ती बख्शे परमात्मा। और नाल दी नाल ही मैं इह वी कहना चाहुंना कि असीं इन्हां दे नाल हर मदद करन लई तैयार आ। सिखों की आस्था का केंद्र सचखंड श्री दरबार साहिब में बीएसएफ के डीआईजी पंकज कुमार सिंह नतमस्तक होने के लिए पहुंचे, जहां नतमस्तक होने के बाद उन्होंने पवित्र गुरुवाणी का कीर्तन भी श्रवण किया, जिसके बाद शिरोमणि कमेटी के अधिकारियों की ओर से उन्हें सिरोपा डालकर सम्मानित भी किया गया। वहीं इस मौके पर डीआईजी बीएसएफ ने कहा कि पावन स्थान सचखंड श्री दरबार साहिब के दर्शन कर मन को बहुत सुकून मिला है। उन्होंने कहा कि जब उन्हें अमृतसर आने का मौका मिलता है तो वे सचखंड श्री दरबार साहिब में जरूर आते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सर्दी का मौसम आ रहा है और धुंध पड़नी भी शुरू हो जाएगी, जिस कारण बीएसएफ की ओर से सरहदी क्षेत्रों में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि कुछ शरारती लोग माहौल को खराब करने के लिए ड्रोन भी भेज रहे हैं और इन ड्रोनों पर बीएसएफ के अधिकारियों की पूरे तरीके से नजर है। उन्होंने कहा कि गत दिवस भी गुरदासपुर के इलाके में एक ड्रोन देखा गया था, जिसके बाद बीएसएफ तुरंत हरकत में आई और उस पर कड़ी नजर रख रही है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जी हरविंदर साहब, जब भी मैं अमृतसर आता हूँ कोशिश करता हूँ यहाँ अवश्य आऊँ, और यहाँ आने के बाद जो मैं यहाँ देखता हूँ, जो शांति और जो अच्छा यहाँ लगता है और जिस तरह के शब्द चलते रहते हैं, एक मन में बड़ी आत्मिक शांति की अनुभूति होती है। इसलिए जब भी मेरा प्रयास होता है कि जब भी आऊँ अवश्य आऊँ।
बॉर्डर पे सिक्योरिटी देखिए, सर्दी हर साल पड़ती है और गर्मी हर साल पड़ती है और इसी बिल्कुल धुंध भी हर साल पड़ती है, तो हम उसके लिए हमेशा से तैयारी पहले से करके रखते हैं और जो भी हमारे पास संसाधन हैं उनका पूरा उपयोग और जो हमारे लोग हैं उनको एक्स्ट्रा अलर्ट इस विषय से हमेशा करके रखते हैं। देखिए ये सब हमारे प्रक्रिया में है, ड्रोन का आना और इस तरह के जो अवांछनीय तत्व हैं वो उल्टे सीधे काम करने की कोशिश अवश्य करेंगे, पर उसी चीज़ को काउंटर करना और नेस्तनाबूद करना ये हमारे काम में आता है और हम उसको पूरी तरीके से जो हमारी ताकत होगी जो संसाधन होगी उससे अवश्य उसको नेस्तनाबूद करेंगे। देश के प्राचीन शास्त्रीय संगीत सम्मेलनों में से एक व संगीत के महाकुंभ श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन के संबंध में एक विशेष मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत महासभा की कमेटी का 2 सालों के लिए चुनाव किया गया, जिसमें प्रसिद्ध उद्योगपति को पूर्णिमा बेरी को फिर से महासभा का प्रधान और दीपक बाली को मुख्य सचिव चुना गया। इस मौके पर श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत महासभा की प्रधान पूर्णिमा बेरी और मुख्य सचिव दीपक बाली ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि इस संगीत सम्मेलन का 147वां संस्करण हर वर्ष की तरह इस बार भी श्री सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के प्रांगण में करवाया जाएगा, जो कि 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक चलेगा। इस महाकुंभ का इस बार मुख्य आकर्षण दुनिया भर में मशहूर वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट की वीणा, पंडित अजय चक्रवर्ती का गायन और सुशांत सुब्रमण्यम की बांसुरी होगी। इसके अलावा बच्चों के संगीत मुकाबले भी करवाए जाएंगे। इस अवसर पर डॉक्टर अरुण मिश्रा, नितिन कपूर, आत्म प्रकाश बबलू, तजिंदर सिंह भसीन, डॉक्टर कुलविंदर दीप कौर, डॉक्टर कल्याण सिंह, मदन राणा, संगत राम, पंडित रमाकांत, इंजीनियर SS अजीमल सहित अन्य सदस्यगण भी मौजूद रहे। जालंधर से कैमरामैन जतिन राजपूत के साथ पंकज शर्मा की रिपोर्ट। श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत महासभा दे वास्ते ही है जी, ते 147वां हरिवल्लभ संगीत महासभा है। मैं थोड़ा पहले ही दसिया, आई थॉट कि एवरीबडी न्यू, बट डजंट मैटर। यह साडा शुरू हो रहा जी 23rd, 24th, 25th। दिस इज दिसंबर, यूजअली साढ़े बाबा की बरसी होंगी है, बाबा की बरसी करके असी हमेशा एंड च जाके शुरू कर दर्शकों नूं अपील करते हैं कि हर साल बक्कन बिल्कुल बहुत अच्छी तरह जिस तरह हमेशा साढ़े नाल साथ देंदे देन आन म्यूजिक सुनन, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक जड़ा है ये बहुत घट होंदा जा रहा है दुनिया दे विच, और असी एक ऐसी संस्था वा जड़े कि 147वें साल च पहुँच गए हाँ। कोशिश कर रहे हैं कि जलंधर का नाँ जड़ा इस धरती का नाँ हैगा इस दे नाल जुड़िया रहे हमेशा हमेशा, तो उहदे करके ही साड़ी एक मुहिम चलती है काइंड ऑफ ऐतकी साडा जड़ा ऑडिटोरियम है लास्ट ईयर असी कंप्लीट किया सीगा वो सानू छोटा लग्या, हुण असी अपना ऑडिटोरियम वड्डा बना रहे हैं, क्योंकि साड़ी संस्था प्योरली बेसिकली एक बाबा जी सीगे साढ़े श्री बाबा हरिवल्लभ जी जड़े खुद द्रुपद दे बहुत माहिर सीगे, उन्हां दी याद दे विच ये मनाया जाता है। तो साड़ी प्योर संस्कृति प्योर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक दे नाल जुड़िया जी। अज जिहड़ी इह एनुअल जनरल मीटिंग आ श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत महासभा वालों अपने सारे मैंबर्स नूं बुला के कीती गई आ, जिहदे च इहदा जिहड़ा पिछले साल दा लेखा जोखा आ उह पेश कीता गया, उहनूं पास कीता गया और उस तो बाद उहदी बैलेंस शीट फाइल होएगी, ते इहदे नाल दी नाल जिहड़ा आउण वाला इस साल दा 147वां श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन आ जिहड़ा कि 23, 24 ते 25 दिसंबर नूं होण जा रिहा, और उहदे संबंध च कहड़े कहड़े आर्टिस्ट फाइनल किए गए ने, किहनां नाल कोऑर्डिनेशन जारी आ, सो इस संबंध में मैंबरां दे विचार लैण लई उहनां नूं सूचित करन लई कि कहड़ी कहड़ी कमेटी की कर रही आ, इस करके असीं। और तीसरी जिहड़ी वड्डी गल आ कि बाबा हरिवल्लभ संगीत महासभा जिहड़ा इस साल दा सम्मेलन आ इह पिछले सालां वांग ही नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर दे विशेष सहयोग द्वारा करवाया जा रहा, और जिहड़ा नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर आ उह हमेशा तों ही भारतीय शास्त्रीय संगीत जां कोमल कलावां जिहड़ियां उत्तरी भारत दे विच आ उहदे लई केंद्र सरकार दा अदारा आ। इस तों इलावा पंजाब सरकार इहदे च बहुत वड्डी
तरीके नाल योगदान कर रही है सानू। और जिहड़ी चौथी गल मैं तुहानू सांझी करना चाहुंदा ओह आ कि हरबल्लभ संगीत महासभा जिथे स्थापित कलाकारां नू इक मंच प्रदान करदी आ, उत्थे जिहड़ी दरअसल सही सेवा आ समाज दी जां सभ्याचार दी जां संगीत दी, ओह आ कि असी नवीं पीढ़ी नू किस तरह इस पासे तोर सकदे आ। सो इहदे लई इक म्यूजिक कंपीटीशन जिहड़ा आ 23, 24, 25 तो पहले 3 दिन करवाया जाएगा, जिहदे च पूरे भारत तो नौजवान 14 साल और जिहड़े एक हैगी आ सीनियर कैटागरी एक जूनियर कैटागरी, सो ये 2 कैटागरीज दे विच म्यूजिक कंपीटीशन हो रहा ता कि जो अज स्थापित कलाकार ने उहो जे कलाकार असी होर पैदा कर सकीए। असी सब ब्रिज जनरेशन आ, साडा फर्ज़ बनता कि जो अज साडे कोल हैगा उस तरह के होर लोग इस धरती ते पैदा होण, उस तरह के होर लोग इस जिम्मेवारी नूं समझण। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल सचखंड श्री दरबार साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंची। इस दौरान उन्होंने सचखंड श्री दरबार साहिब में नतमस्तक होने के बाद पवित्र गुरुवाणी का कीर्तन भी श्रवण किया और बादल परिवार द्वारा जारी श्री अखंड पाठ साहिब जी की लड़ी के तहत पाठ के भोग डालकर नए पाठ की आरम्भता में अपनी हाजिरी भी लगवाई। इसके पश्चात पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि सिख पंथ को कमजोर करने की गहरी साजिश केंद्र सरकार द्वारा की गई है। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस पार्टी ने देश के बंटवारे के समय पंजाब के टुकड़े किए थे और अब 100 वर्ष बाद मौजूदा सरकार उनके धर्म के टुकड़े करने पर तुली हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि संसद को बाईपास कर अनेकों कुर्बानियों के बाद अस्तित्व में आई शिरोमणि कमेटी को बांटा जा रहा है और सिखों में आपसी जंग करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर यही हाल रहा तो वह दिन दूर नहीं जब गांवों में एक एक गुरुद्वारा साहिब को बांटा जाएगा और भाई से भाई को मरवाने वाली जंग से सिख पंथ और कमजोर होगा। वहीं उन्होंने पूरी सिख कौम को एकजुट होने की अपील भी की। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। साढ़े सूबे दे टोटे टोटे किते, देश दी वंड हुई, पंजाब ने सब तो वड्डा नुकसान झलिया ते पंजाब विच्चों ही दूजे सूबे बनाए गए, पंजाबियों नू कमज़ोर किया गया। अज 100 साल बाद साढ़े इतिहास चे साढ़े धर्म दे टोटे टोटे आ सरकार कर रही है। जेड़ा नवा कानून गैर कानूनी तरीके दे नाल अदालत विच बनाया गया हैगा, जेड़ा सिर्फ पार्लियामेंट जिस कानून नू बना सकती है बिगाड़ सकती है, उस एक्ट नू तोड़ना जिथे पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट नू बाईपास करके अदालत चे साढ़े महान SGPC रोज़ अरदास चेपा करदे आ, उन्हां दी कुर्बानियां नू याद करदे ने जिन्हां ने गुरुद्वारियां दी सेवा वास्ते कुर्बानियां दित्ती। 2 वर्ष की कोरोना महामारी के बाद इस वर्ष श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट की ओर से श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा 22 मई को शुरू की गई थी, जिसके चलते अब गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब जी के आसपास की पहाड़ियों पर बर्फ पड़नी शुरू हो चुकी है, जिसको ध्यान में रखते हुए श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट की हुई मीटिंग में श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा 10 अक्टूबर को समाप्त करने का फैसला लिया गया है। इस मौके पर गुरुद्वारा श्री जोशी मठ के पूर्व मैनेजर बूटा सिंह श्री हेमकुंड साहिब में नतमस्तक होने के लिए यहां पहुंचे, जिन्हें नतमस्तक होने के बाद श्री हेमकुंड साहिब के मैनेजर गुरनाम सिंह की ओर से सिरोपा डालकर सम्मानित भी किया गया। आप देख सकते हैं कि यात्रा के आखिरी पड़ाव में भी संगतें श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करने के लिए जा रही हैं। जो छोटे बच्चे पैदल यात्रा नहीं कर सकते उन्हें कांडी में बैठाकर ले जाया जाता है और जो बुजुर्ग पैदल यात्रा नहीं कर सकते उन्हें पालकी में बैठाकर यात्रा करवा रहे हैं, जिसे डांडी भी कहा जाता है। वहीं इस मौके पर पाठी सिखों की ओर से गुरुद्वारा साहिब में गुरबाणी का पाठ भी किया जा रहा है। श्री हेमकुंड साहिब के आसपास आसमान को छूती पहाड़ियों में से बहते झरनों का दिलकश नजारा भी आप देख सकते हैं। तो वहीं इस मौके पर श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के वाइस प्रधान नरेंद्र सिंह ने बातचीत करते हुए कहा कि इस वर्ष 10 अक्टूबर को श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा समाप्त की जा रही है। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। श्री हेमकुंड साहिब के कपाट इस वर्ष 22 मई को खोले गए। ईश्वर की अपार कृपा है कि इस वर्ष अभी तक 2,15,000 श्रद्धालु इस पवित्र स्थान के दर्शन कर चुके हैं। हेमकुंड साहिब ट्रस्ट की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष हेमकुंड साहिब के कपाट 10 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे बंद कर दिए जाएंगे। सभी यात्रियों से सविनय निवेदन है कि
कि 10 अक्टूबर से पहले श्री हेमकुंड साहब के दर्शनार्थ अपना कार्यक्रम। गत सप्ताह अमृतसर के गांव डडुआना में और तरन तारण के गांव ठक्करपुरा में मसीही भाईचारे के साथ घटी घटना को लेकर 27 सितंबर को पूरे पंजाब बंद की कॉल मसीही भाईचारे द्वारा दी गई थी, जिसके चलते अमृतसर के रेलवे रोड पर मसीही भाईचारे ने इकट्ठे होकर रोष प्रदर्शन कर यातायात बंद कर नारेबाजी की। इस दौरान हजारों की संख्या में मसीही भाईचारे के लोग इकट्ठा हुए, जिसके बाद डीसीपी अमृतसर परमिंदर सिंह भंडाल ने मौके पर पहुंचकर मसीही भाईचारे को शांत करवाकर धरना उठवाया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मसीही भाईचारे के नेताओं ने कहा कि गत दिनों निहंग सिंहों की ओर से मसीही भाईचारे के ऊपर हमला किया गया था, जिसके रोष स्वरूप उनकी ओर से यह प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि अभी तक इस घटना के आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। जब तक उक्त आरोपियों पर कार्यवाही नहीं होती, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं इस मौके पर डीसीपी परमिंदर सिंह भंडाल ने कहा कि जल्द ही आरोपियों को काबू कर लिया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। असी जितना संसार के लोग होर कौम बहुत सारी तोड़भन करती हैं, वहाँ बसा का नुकसान पे साढ़े बच्चे ये नहीं है काम कोई भी। असी वैसे रोस जोड़ा वा वो कर रहे हैं कि पुलिस ने अजे तिकर उन्होंने दोषियों को फड़िया नहीं, जिन्होंने जनानियों गर्भवती स्त्रियों झोने में भजा भजा के कुटिया, चुनिया लाइया गई, गंदिया गाल क्ढ़िया गई कि इन्हें कुवारियां जमन गई। इदा दीडियो साढ़े को सारिया है उन्होंने नहंगा दियाँ शरारती नहंगा दियाँ और नालों जानों मार दी, मैनू धमकी देंगे हो। तो फिर साढ़े चर्च का सारा समान भन्या, साउंड कुर्सी हर चीज़, तो साढ़े बहुत सारे व्डे नुकसान किए उन्होंने, साढ़ा उतो चर्च बंद करवा दिता उन्होंने। तो इस करके सानू पुलिस के नाल, पंजाब पुलिस के नाल सानू रोष सी कि साड़ी उन्होंने मदद नहीं की। अज तक ना कोई MLA आया वा, ना कोई मंत्री आया वा। ETO जिहड़ा जंडियाले हल्के का मंत्री आने एक बार आन के हिरकम नहीं किया। अज मसीह भाईचारे ना पहला ही पिछले 2-3 दिन तो लगातार गल चल रही थी, लेकिन सवेरे जिहड़ा उन्होंने सानू ये विश्वास दवाया सी भी उन्होंने प्रे करनी अंदर, क्योंकि पूरे पंजाब लैवल दे उत्ते ही जिहड़ा हो चुका सीगा भी नहीं 27 नू बिल्कुल नहीं बंद होगा, पर लोकल लैवल दे उत्ते जिन्नी जथेबंदी सीगी उन्होंने जिहड़े बाहरों पास्टर बुलाए सी उन्हां नू इहो दसण वास्ते भी जिहड़े उन्हां दे मसले आ उन्हां वास्ते बैठ के IG जिहड़े बॉर्डर रेंज आ उन्हां दे नाल इक मीटिंग कराई जाऊगी और वो सारा बैठ जाऊगा। पर कुछ उन्होंने जोड़े बाहरों आए जोड़े नवे बच्चे आ नवे स्टूडेंट मैं जूनियर लैवल के थले आ उन्होंने बाहर आके इतने रोड के उत्ते खड़े होकर तो रौला रप्पा पाया थोड़ा, पर सारे समझा के फिर उन्होंने विश्वास दवाया भी तुम जोड़ा कोई परचा दर्ज आ अमृतसर रूलर उतने SSP साहब ना जो IG साहब ना मीटिंग करा रहे हैं और ता शहर का कोई मसला नहीं, उस चीज नु समझ के सारे साडे नाल सहमत होए। फिरोजपुर में गोली चलने की वारदात को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता राणा गुरमीत सिंह सोडी ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि फिरोजपुर में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जब से पंजाब में नई सरकार आई है तब से लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो चुका है, लोग बदलाव नहीं बल्कि बदले की भावना लेकर चल रहे हैं। वहीं नशे के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिले में नशे के कारण कई मौतें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक नशे पर काबू नहीं पाया जा सका है। उन्होंने कहा कि देश और पंजाब को बचाने के लिए हम सबका यही फर्ज है कि नशे की रोकथाम के लिए कड़े उपाय किए जाए। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। बदलाव की जगह बदले की भावना शुरू हो गई और तुसी देखो कि अपने फिरोजपुर शहर की जे ड्रग्स की गल करिए तो कितनी मौत हो गई, जे सैंड माइनिंग की गल कर लिए तो गवर्नर साहब खुद आए तो इन्हों उन्होंने वार्निंग देनी पई है सरकार नू भी ते अफसर नू भी कि भाई ये जे तुसी इत्थे बॉर्डर ते दरिया के कंढे ते माइनिंग करोगे वो आर्मी वास्ते भी खतरनाक है। इन्हों सूझबूझ नहीं हो रही भी असी प्रदेश नू किवें बचाउणा, प्रदेश की सुरक्षा किवें करनी है। असी बॉर्डर ते बैठे हाँ, साडी सुरक्षा करन दी जिहड़ी साडी धर्म साडा बनिया होया अज दा नहीं कई सालों तो इंडिपेंडेंस तो पहला पंजाबी हमेशा अगे वध चढ़ के सुरक्षा करते हैं। अज वो इन्होंने उस पंजाब की प्रथा नू एक पासे रखता ये दूजे कामां च पै गए। अज जे पंजाब सुरक्षित नहीं हैगा तो हिंदुस्तान नहीं सुरक्षित हैगा।
जय मां दुर्गा पूजा समिति पंजाब एवेन्यू जालंधर की ओर से दुर्गा अष्टमी के उपलक्ष्य में दुर्गा पूजा की शुरुआत पहले नवरात्र के अवसर पर की गई। इस मौके पर आचार्य विशाल चंद्र कांशी वाले शिवम शुक्ला वृंदावन धाम वाले, पंडित विकास चंद्र शास्त्री, पंडित संगम शुक्ला, पंडित बिंदर मिश्रा, पंडित शिवा कौशिक, हिमांशु और सभी सदस्यों ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ इस पूजन को सम्पन्न करवाया। इस मौके पर प्रधान राजनीति मेहता ने सपरिवार उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर अखिलेश चौधरी, गौतम मिश्रा, मिथुन चौधरी, रिंकू मिश्रा, प्रदीप कुमार कुशवाहा, दिनेश कुमार, विजय यादव, विक्रम कृष्ण मोहन झा और सचिन सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। 18वां जय माँ दुर्गा पूजा समिति सभी भक्त मिलकर माँ भगवती का पूजन अर्चन कर रहे हैं। हमारे सभी ब्राह्मणों के द्वारा जय माँ दुर्गा पूजा समिति ये इतना बड़ा यज्ञ करने जा रही है। ये यज्ञ आज से प्रारंभ होकर 9 दिन तक चलेगा। माँ भगवती का पूजन अर्चन और माँ भगवती का षोडशोपचार से पूजन होगा। इस पूजन में आप सभी बढ़ चढ़ कर आएँ और माँ भगवती का आशीर्वाद प्रदान करें। 18वां साल बीता जा रहा है। हर साल हम लोग माँ दुर्गा का आह्वान करके पूजा करते हैं और इसी तरह हर साल माँ दुर्गा शक्ति दे कि हर साल बढ़िया से आगे बढ़ा के पूजा करते रहें। हमारे सारे कमेटी मेंबर की तरफ से सभी भक्तजनों को आके दर्शन करें। जय माता। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन द्वारा अग्रसेन महाराज की जयंती पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा नन्ना मंदिर से विधिवत पूजा अर्चना के बाद आरंभ हुई। प्रधान विनोद अग्रवाल के नेतृत्व में आयोजित इस यात्रा में शिक्षाविद डॉक्टर अनिरुद्ध गुप्ता, विधायक रजनीश दहिया, विधायक रणबीर सिंह बुल्लर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान डॉक्टर अनिरुद्ध गुप्ता ने मां महालक्ष्मी जी की पालकी में दीप प्रज्वलित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर आयोजकों द्वारा आए हुए अतिथियों को सिरोपा देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं भक्तों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर इस शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। इस मौके पर महासचिव गजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि इस शोभा यात्रा में महिलाएं सिर पर कलश रखकर शामिल हुई और खाटू श्याम, सालासर हनुमान जी सहित कुल देवी महालक्ष्मी की विशेष रूप से पालकी भी सजाएगी। इस दौरान सुंदर झांकियां भी सजाई गई तो वहीं भक्तों द्वारा अलग अलग प्रकार के व्यंजनों के लंगर भी लगाए गए। इस मौके पर नवीन मित्तल, राहुल अग्रवाल, संजय गुप्ता, गगन अग्रवाल, प्रवेश बांसल, अनिल सांघी, रमेश गर्ग, नवीन, संजय, हरीश गोयल, कुलभूषण, एक्सीएन चंद्रमोहन सहित अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। ये शोभा यात्रा महाराज अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में विवाह 46वें जन्मदिन दिवस पे अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन गोरखपुर इकाई की तरफ से बड़ी धूमधाम से निकाली जा रही है। ये सभी विभिन्न बाजारों में होती हुई नन्ना मंदिर में ही समाप्त होगी और ये 22 साल से ये हमारे अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन गोरखपुर इकाई की तरफ से रीति रिवाज से हर साल की तरह ये साल भी बड़ी धूमधाम से निकाली जा रही है। मिथिलांचल एकता वेलफेयर सभा की ओर से 16वां वार्षिक श्री दुर्गा पूजा महोत्सव 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक बल्टरन पार्क श्री पिपलेश्वर महादेव मंदिर कबीर नगर जालंधर में बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। इसी संबंध में भव्य कलश यात्रा निकाली गई जो कि पूजा स्थल से शुरू होकर सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर की परिक्रमा कर वापस पूजा स्थल पर आकर संपन्न हुई। इस मौके पर महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर मां दुर्गा की महिमा का गुणगान करते हुए इलाके की परिक्रमा की। इस अवसर पर चेयरमैन बद्री नारायण झा, प्रधान शिव शंकर कुशवाहा, प्रेखन साहनी, विनय गुप्ता, वीरू ठाकुर, सुधीश साह, कुंवर सिंह कुशवाहा, कैलाश चौधरी, अरुण कुमार विक्की, कपिल चौधरी, हरमिंदर कौर, वरिंदर कौर, सुरेंद्र सिंह सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। इन्होंने मेरे को आके मैनू मतलब कि बहुत इन्होंने आदर सम्मान सारे ने वेलफेयर सोसायटी के मैंबरस भी दिता तो इन्होंने मैं इनविटेशन भी दिता। फिर अज देवी तलाब मंदिर जो भी कलश यात्रा से उत्थे आप पूजा भी करवाई तो उतो भी आप कलश यात्रा लेके आए। अज इन्होंने 16वां वार्षिक जय माँ दुर्गा पूजा महोत्सव
साल मनाते रहेंगे। इन्हों का मिलजुल के सारे ने मेरी रिक्वेस्ट है सारे कि इन्हों का सारे ने सहयोग मिलजुल के देना है ता जो जय माता दी। लंच लिखता वेलफेयर सोसायटी की तरफ से सभी मैंबर मेरे वालों बहुत बहुत धन्यवाद। ये सोलहवां वार्षिक पूजा लांचल सोलहवां वार्षिक जय माँ दुर्गा पूजा महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। अगे भी मनाते रहे अगे मनाते रहेंगा। सारी महला वासिया का सानू सहयोग चाहिए, साढ़े मैंबर का सहयोग चाहिए। सानू पूजा जी सारा साथ दे रहा, रल मिल के असं पूजा कर रहे हैं। माँ बंगला मुखी धाम गुलमोहर सिटी नज़दीक लम्मा पिंड चौक में शारदीय नवरात्रों के दूसरे दिन की शुरुआत धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में हुई, जिसकी शुरुआत वैदिक रीति अनुसार विधिवत पूजन उपरांत ब्राह्मणों द्वारा की गई, जिसके पश्चात संस्थापक नवजीत भारद्वाज ने द्वितीय नवरात्रि की देवी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के बाद आए हुए यजमानों से हवन यज्ञ में आहुतियाँ डलवाई। इस अवसर पर समीर कपूर, श्रीकंठ चच, जोगिंदर सिंह, राकेश प्रभाकर, बलजिंदर सिंह, विक्रम भसी, नीरज पाठक, अमरजीत सिंह, मनीष शर्मा, विक्रांत शर्मा, संजीव शर्मा, गोपाल मालपानी, राघव चड्डा, समीर कपूर, अश्वनी शर्मा, संजीव शर्मा, मुकेश चौधरी, संजीव सांवरिया, मुनीश शर्मा, यज्ञदत्त, रोहित भाटिया, रॉकी, पंकज, साबी, लक्की, सुनील जग्गी, प्रिंस और प्रवीण सहित भारी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जय माँ बगलामुखी जी। आज माँ बगलामुखी धाम जो कि गुलमोहर सिटी लम्मा पिंड चौक के नजदीक स्थित है, माँ के इस भव्य मंदिर दे विच आज नवरात्रे जेडे शरदीय नवरात्रे है उन्होंने दे निमित माँ दे निमित हवन यज्ञ शुरू किए गए है। अज पहला नवरात्रा माँ शैलपुत्री जी दे निमित माला जाप हुई है और हवन यज्ञ दे विच आहुतियां डलियां। सारे संगत नूं करवत प्रार्थना है जो भी मां दी नाम लेवा संगत है वह आके सवेरे 7 बजे तो 8 बजे तक रोजाना हवन यज्ञ होगा। नवमी वाले दिन सवेरे हवन यज्ञ होगा, उस तो बाद भोग पैणगे ते कन्या पूजन होगा। इसलिए वध तो वध संगत पहुंचो और इस जिहड़ा उपराला कीता है मंदिर कमेटी ने उहदा वध तो वध तुसीं फायदा लो तां जो अपने ते जो भी कष्ट है, दुख है, दरिद्र है, उसनू दूर कीता जाए और मां दी अनुपम जिहड़ी असीं स्तुति करदे हां ओह कीती जावे ते महामाई इदां ही अपने चरणां दे नाल अपने भगतां नू जोड़े। श्री सत्य नारायण मंदिर अर्बन एस्टेट फेज 1 में शारदीय नवरात्रों के उपलक्ष्य में श्री दुर्गा स्तुति के पाठ आरंभ किए गए, जिसमें मंदिर की स्त्री संकीर्तन मंडली द्वारा श्री दुर्गा स्तुति के पाठ किए गए। इस दौरान पंडित बनवारी प्रसाद शास्त्री ने शारदीय नवरात्रों के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए पहले नवरात्र में आई हुई संगत को माँ शैलपुत्री की कथा सुनाकर भाव विभोर किया। इस मौके पर कांता अरोड़ा, मंजू शर्मा, किरण मिन्हा, सनेश शर्मा, अनुराधा, मीना रानी, पूनम, अंजना भार्गव, मधु राजरानी, सुदेश राणा, राधा श्यामा, पूजा विमल, किरण सहित बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। Thank you.
जालंधर के ग्रीन मॉडल टाउन में साईं लाडी शाह जी डेरा बाबा मुराद शाह जी नकोदर वालों के जन्म दिवस के संबंध में सिम्मी साईं और शहजादी रूबल की ओर से महफिल कवाली का आयोजन किया गया, जिसमें डेरा बाबा मुराद शाह जी के मुरीद कवाल रहमत अली एंड पार्टी ने अपनी कवालियों के माध्यम से साईं जी की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर सिम्मी साईं और शहजादी रूबल ने बताया कि पिछले एक महीने से श्री गणपति महाराज जी की स्थापना उनके परिवार की ओर से की गई है और विधि विधान से पूजा भी की जा रही है। इस मौके पर कन्या पूजन के उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भी वितरित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। जयकारा सच्ची सरकार, श्री खुदा दाता जी दा बाबा मुराद शाह जी, बापू ब्रह्म जोगी महाराज जी, साईं लाडी शाह जी, गुलामी शाह जी, गुरु महाराज धन धन बापू गंगा दास जी नू बहुत बहुत मुबारक। और बहुत खुशी की गल है कि दाता जी ने सानू इत्थे तक पहुँचाया, बापू गंगा दास जी, साईं लाडी शाह जी ने। अज सत्तवां मेला दाता जी का, और बहुत भागा और नसीबा की गल यह है कि महारानी जी का पहला नवरात्रा, क्योंकि साईं लाडी शाह जी सब तो ज़्यादा प्यार माँ चिंतपुर्णी जी नू करते हैं, और दाता जी का 13 दूना 26 है तो 26 रहन दे, साड़ी जिथे लगी है तो लगी रहन दे, दुनिया कहती ठगी है तो ठगी रहन दे, क्योंकि जिहड़ी आशकी हुंदी आ, मेरा और साईं जी का बहुत प्यार का रिश्ता बाप और बेटी का। साईं लाडी शाह जी, साईं गुलामी शाह जी मेरे बाप जी है, और अज मेरे पापा का बर्थडे है। मैनू बहुत खुशी आ कि सानू उन्होंने बख्शिया, और सब तो सोहनी गल ये है कि साईं लाडी शाह जी जो पहली बार सानू मिले, ये दसंगे मेरी मॉम। 2006 दे विच मैं साईं जी नू मिलन गई, मैं ते मेरी बेटी, और साईं जी अपने स्टोर दे विच बैठे, मैं पिछे गई बाबा जी दे, केंदे पिछे की करन आए, उत्थे संगत च जाके बैठो, मैं संगत च जाके बह गई, और बाबा जी बहुत मेरे वाल देख के खुश हो रहे, हस रहे, खिड़खिड़ा रहे, आप गुड़ खा रहे, तो गुड़ दंदी वढ़ रहे खा रहे हैं, खा के वह गुड़ मेरी झोली च पा गए, बाबा जी की दिती हुई गुड़ थी यह, और इतने तक उन्होंने मैनु पहुँचाया, और मैनु आवाज़ जी दिती है साईं लाडी शाह जी की दिती हुई आवाज़ आ, ये सारा गुड़ का कमाल है, मिठी आवाज़ मेरी, मैनु उन्होंने बापू जी ने गवैयन कह दिता, गवैयन बना दिता, और इन्होंने आवाज़ दे दी, और मैं बहुत भागा नसीबा वाली हाँ। मैनू बहुत सालों तो तमन्ना सी कि मेरे घर करामत अली जड़ा परिवार आ, घराना। और मैं गल कहूँगी कि साड़ी 17वें साल जी दी गणपति बप्पा दी ये पूजा चल रही है, क्योंकि लोगों ने गणपति बप्पा नू विसर्जन कर दिता, और साडे घर च मन्नत दे गणपति महाराज जी बैठे हुए हैं, लाल बाग दे राजा चिंतामणि बप्पा और दो सिद्धि विनायक जी। और मैं तो उन्होंने सारे ने गल शेयर करन जा रही हाँ कि साईं लाडी शाह जी गणपति बप्पा नू लेके आए साडे घर च, 17वें साल दी पूजा बनती है, और 7वां मेला दाता जी का। और मैं सारे नू दसना चाहनी हाँ कि जो दाता जी नू असी मिले 2006 दे विच, साडे घर च 6 मेला होया दाता जी दा, 2006 च दाता जी मिले, और साईं लाडी शाह जी ने मेला करवाना शुरू किया, और अज सानू 17वें साल बाद ये सानू सारा कुछ मिलिया, साडी मेहनत तपस्या दा फल है। और मैं सवेर दा देखो इन्नी वड्डी आशकी है कि एक पानी का कुट भी नहीं पीता, इड्डी वड्डी आशकी है, क्योंकि महारानी जी की हाली खेतरी बीजनी है, महारानी जी का पहला नवरात्रा। और मैं तुहानू सारे नू दस रही कि ये मेले का जिहड़ा मेन क्रैडिट है, जिहड़ा बंदा कहिंदा ना कि असी कोई वड्डियां कंपनियां बनाने हैं या वड्डे दरबार बनाने हैं, उहदे विच सारा इनवैसटमेंट एक एक चीज़ का पैसा कौन है, वह गुरु महाराज बापू गंगा दास जी साईं लाडी शाह जी का बर्थडे मना। Yeah.
पुरानी सब्जी मंडी जालंधर में हर साल की तरह इस साल भी बाबा मुराद शाह बैंड मार्केट सभा की ओर से साईं लाडी शाह जी का जन्म दिवस मनाया गया और महफिले कवाली का आयोजन किया गया, जिसमें मशहूर कवाल कुमार राजन एंड पार्टी ने अपनी कवालियों के माध्यम से साईं महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस अवसर पर सिम्मी, रॉकी, गौरव, रोहित, गौतम, अमन, रामलाल, दीपक, जतिन, शगुन, संजू, अविनाश सहित कई भक्तजन मौजूद रहे। अंत में भंडारे का आयोजन भी किया गया। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर। फिर जंडियाला गुरु के नजदीकी गांव गहरी मंडी में भारी बारिश के कारण एक गरीब परिवार की गिरी छत, पारिवारिक सदस्य हुए घायल, एक की हालत गंभीर। बीएसएफ के डीआईजी सचखंड श्री दरबार साहिब में हुए नतमस्तक, शिरोमणि कमेटी के अधिकारियों ने किया सम्मानित। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में 23 से 25 दिसंबर तक किया जाएगा 147वें श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन का आयोजन। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।